नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। सतीश कौशिक का 68 साल की उम्र में पूरी दुनिया को अलविदा कहना हर किसी को उखल रहा है। उनका यूं अचानक चले जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ी शख्सियत को खोने जैसा है। जी हां, आपको बता दें कि 7 मार्च साल 2022 को उन्होंने शबाना आजमी के घर में अपनी आखिरी होली मनाई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि 2 दिन बाद ही उनका निधन हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि आज वो पंच तत्व में विलीन होने के बाद भी फैंस और उनकी फैमिली भुला नहीं पाई है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जा चुकी है और इसी बीच उनके मैनेजर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सतीश कौशिक के आखिरी पलों को साझा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक वीडियो में ये बात कहते हुए सतीश कौशिक के मैनेजर बोलते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में मैनेजर कहते नजर आ रही हैं 9 मार्च को करीब 12:10 यहां पर उनके साथ ये सब कुछ हुआ। सतीश कौशिक ने अपने मैनेजर को बेचैनी होने की शिकायत बताई थी। उन्होंने बताया था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके बाद मैनेजर तुरंत उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए। वहां मौजूद डॉक्टर्स की टीम ने एक्टर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार लाख कोशिशों के बाद वो जिंदगी की जंग हार गए। मैनेजर ने आगे ये भी कहा कि 12:10 पर करीब वो सो रहे थे, सोते वक्त ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद ही मैनेजर को शिकायत की तो सवाल पूछा गया कि पुष्पांजलि में उनके साथ और कौन कौन रुका हुआ था, जिस पर मैनेजर ने कहा कि कोई नहीं था, केवल सिर्फ और सिर्फ मैं ही उनके साथ था। खैर, कुबेर के मैनेजर के साथ सतीश कौशिक की पार्टी चल रही थी जो अस्पताल में भी मौजूद थी। इस बात को मैनेजर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब आखिरकार सच्चाई क्या कुछ है, इसे लेकर फिलहाल पुलिस पूरे मामले में छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये अब तक का एक बहुत बड़ा झटका लगा है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ।